आज हम लोग जो है इन्फ्लेशन पर चर्चा करेंगे। इन्फ्लेशन का मतलब है मुद्रा स्फीति, और जैसे हम कह रहे हैं इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेट करना, मतलब क्या है, किसी चीज़ का प्रसार हो जाना है। किसी चीज़ का प्रसार हो जाएगा तो हम लोग जैसे इन्फ्लेशन को सामान्य रूप से क्या जानते हैं, इन्फ्लेशन को जब हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन का सामान्य मतलब क्या है तो आप लोग क्या बताते हैं, बताइए, महंगाई है। आप लोग क्या बताते हैं, महंगाई है। लेकिन वास्तव में होता क्या है कि इन्फ्लेशन की स्थिति में होता क्या है कि बाज़ार में महंगाई तो है, वो तो प्रभाव है। इन्फ्लेशन का मतलब है कि बाज़ार में मनी का इनफ्लो ज़्यादा हो गया, मतलब रुपए का प्रसार हो जाता है, यही तो होता है। क्योंकि महंगाई तो उसका प्रभाव है, इन्फ्लेशन का मुद्रा स्फीति का प्रभाव है कि महंगाई उत्पन्न होती है। लेकिन वास्तव में मुद्रा स्फीति क्या है, तो मुद्रा स्फीति का मतलब है कि बाज़ार में मुद्रा का प्रवाह ज़्यादा हो गया है कि नहीं है? हाँ, रुपए की वैल्यू कम हो जाती है। अब जब किसी भी चीज़ की अधिकता हो जाएगी तो मूल्य अपने आप घट जाता है। आप सामान्य रूप से जो है जब घर में जो है अपने बचपन को याद करें, अगर जो लोग, लेकिन अब इसमें तो 19-20 साल के लोग बैठे हुए होंगे, तो लेकिन जैसे हम अपने बचपन को याद करते हैं तो जब 1 किलो अमरूद आता था तो अमरूद कब ख़त्म हो जाता पता नहीं चलता था, इसलिए क्योंकि अमरूद जो है रूटीन में आता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारे बचपन का मतलब है कि आज से 30 साल पहले की बात, 30-32-33 साल पहले की बात है। तो जब 30-32-33 साल पहले अमरूद आता था, दो भाई चार लोग, अब 1 किलो अमरूद और टूट पड़े सब, ख़त्म हो जाए। आज क्या है, आज घर में अमरूद आया 1 किलो, अब वो सड़ जाएगा, आप खाते नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपकी नज़र में उसका मूल्य नहीं है, क्योंकि उसका जो है अब जो भी आ रहा है, मम्मी गई बाजार थे वो भी 1 किलो ले आई, तुम ही निकले जेब में पर्स में, जितना तुम्हारे पास पैसा होगा उतना लोगों की सामान्य रूप से सैलरी हुआ करती थी, है कि नहीं? तो जो निकला, बड़े भैया भी गए, पॉकेट मनी से ही जो है 30-40 रुपये अमरूद है, खरीद लाए, क्या दिक्कत है? तो मूल्य का घटना मतलब यह है कि किसी भी चीज़ की अधिकता होगी तो मूल्य घट जाता है। ठीक वही चीज़ यहाँ पर है कि मुद्रा का जो मूल्य है वो घट जाता है, क्योंकि मुद्रा का प्रवाह बढ़ चुका होता है। सामान्य बात आप ये जानते रहें कि मुद्रा स्फीति का मतलब है कि मुद्रा के प्रवाह का बढ़ जाना, उसका सामान्य प्रभाव क्या है, महंगाई का बढ़ जाना। जैसे अब मुद्रा स्फीति जो है, हम कहते हैं कि मुद्रा स्फीति हो गई मतलब महंगाई आ गई तो क्या सब में महंगाई आ गई? अब हम कैसे जाने कि मुद्रा स्फीति, जैसे हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन रेट आज जो है पेपर में निकला कि 9.48% है या 4.23% है, तो वास्तव में इसको जो है कैसे हम लोग मेज़र करते हैं? तो भारत में जो मुद्रा स्फीति के मापन का तरीका है, सामान्य रूप से 2 तरीके होते हैं। एक क्या है, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर, और दूसरा क्या है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, और WPI है मतलब होल सेल प्राइस इंडेक्स पर। अब जैसे हमने कहा कि मुद्रा स्फीति इतना परसेंट हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि मुद्रा स्फीति इतने परसेंट हो गई तो सारी चीज़ों का मूल्य जो है उतना परसेंट बढ़ जाएगा। क्योंकि सामान्यतः आप देखें कि बाज़ार में बहुत सी चीज़ें जब महंगी हो रही होती हैं तो उसी समय पे बहुत सी चीज़ें सस्ती भी हो रही होती हैं, नहीं हो रही होती, सामान्य प्रवृत्ति है बाज़ार की। अब उसमें हमको देखना क्या है कि जो प्रश्न आता है, प्रश्न क्या आया कि मुद्रा स्फीति के मापन के लिए जो भारत सरकार ने आधार वर्ष घोषित किया है वो क्या है? हाँ, 11-12 घोषित किया है। 11-12 घोषित क्यों कर दिया, ये सरकार की अपनी टेक्निक है जिससे जो है इन्फ्लेशन रेट क्या हो जाए, कम दिखाई पड़े। 2 तरीका है, एक तो महंगी वस्तुएं होना, और दूसरा ये है कि महंगाई लोगों को दिखाई ना पड़े। तो इसलिए उसने क्या किया, 2004-05 से 2010-11-12 कर दिया, ठीक है। तो एक तो ये है कि आधार वर्ष से प्रश्न आता है, जो कि आपने बताया कि 2011-12 है। दूसरा प्रश्न क्या आता है कि भारत में जो मुद्रा स्फीति का मापन है वो किस सूचकांक के आधार पर होता है, WPI पर या CPI पर?
तो CPI पर हो रहा है। पहले क्या होता था, पहले WPI पर हो रहा था, लेकिन WPI पर जब हो रहा था तो एक्चुअल जो इन्फ्लेशन हो रहा था वो बहुत देर में ट्रेस आउट हो पाता था। अब क्या है, CPI पर हुआ तो तुरंत बीमारी जैसे ही प्रकट हुई वैसे ही उसका इलाज सरकार शुरू कर देगी। पहले क्या था, बीमारी जब जो है बहुत घातक स्टेज में हो जाती थी तब वो जो है इलाज शुरू करते थे तो उसमें कंट्रोल करने में दिक्कत होती थी, इसलिए तरीका बदल दिया गया। ठीक है, तीसरी बात हम कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन पे जैसे कॉन्सेप्चुअल प्रश्न कभी कभी पूछता है, तो इन्फ्लेशन पे हम कह रहे हैं कि अगर इन्फ्लेशन को जानना है तो इन्फ्लेशन सामान्य रूप से कितने प्रकार का, सामान्य रूप से दो प्रकार का। एक को हम कहते हैं कास्ट पुश इन्फ्लेशन है और दूसरे को हम कहते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। कास्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब है कि लागत प्रेरित मुद्रा स्फीति है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब है कि मांग जनित मुद्रा स्फीति है। मांग जनित मुद्रा स्फीति का मतलब है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का क्या आशय है कि जब बाजार में इन्फ्लेशन इसलिए उत्पन्न हो रहा हो क्योंकि कमोडिटीज़ की डिमांड ज़्यादा हो गई हो, डिमांड ज़्यादा होगी तो महंगा हो ही जाएगा। दूसरा हम क्या कर रहे हैं कि कास्ट पुश इन्फ्लेशन है, और कास्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि जब बाजार में वस्तुओं की लागत बढ़ने के कारण मुद्रा स्फीति उत्पन्न हो जाए तो उसे क्या कह रहे हैं, कास्ट पुश इन्फ्लेशन है। प्रश्न क्या आता है कि मुद्रा स्फीति का निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो आज की तारीख में जैसे सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है, सबसे महत्वपूर्ण वो बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों का घटना और बढ़ना है। कच्चे तेल की कीमत घटी या बढ़ी तो आप समझ लीजिए कि वो सब कुछ एकदम इफेक्टेड करेगी, ये आप जानते रहे। अब जैसे उसमें कहते हैं कि लागत प्रेरित मुद्रा स्फीति मतलब कास्ट पुश इन्फ्लेशन के कौन कौन से मुख्य फैक्टर हैं, तो लागत बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, क्रूड ऑयल का है ना, लागत बढ़ उसको और एक व्यापक शब्द में हम लोग देखें तो लागत बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि रॉ मटेरियल्स प्राइस हाइक हो रही। अब रॉ मटेरियल में ही है वो कच्चा तेल, ठीक है, अगर NTPC है तो उसके लिए रॉ मटेरियल कोयला हो सकता है, गमला बनाने का कारखाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल मिट्टी हो सकती है कि नहीं, कार बनाने के कारखाने हैं तो उनके लिए रॉ मटेरियल स्टील हो सकता है, रबड़ हो सकती है ना। तो मोटी बात ये जान ले कि रॉ मटेरियल प्राइस अगर बढ़ेगा तो अपने आप लागत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा कारण आप जान लें कि लागत बढ़ने का दूसरा कारण जो है वो तकनीकी दक्षता का अभाव है, मतलब ड्यू टू लैक ऑफ टेक्निकल एफिशिएंसी। तकनीकी दक्षता का अभाव मतलब ड्यू टू लैक ऑफ टेक्निकल एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि बहुत से मामलों में तकनीकी भी जो है कीमत को घटाती और बढ़ाती है। आप ऐसे जाने कि आज से 20 साल पहले, 25 साल या 30 साल पहले, जब हीरो होंडा नहीं आई होगी, जब बाइक का जमाना नहीं था, जब HD और जो है इनफील्ड गाड़ियाँ हुआ करो, कौन सी बुलेट है जो, तो जब उससे लोग चलते थे तो क्या होता था, वो तो खून पीती है, तो अब पता चला व्यापारी के लिए कास्ट पे इफेक्ट आएगा कि नहीं। अभी आपको जो है सामान, आपने होटल से कोई खाना मंगाया स्पाइसी हब से तो डिलीवरी क्या है, फ्री है, क्यों है? नहीं, प्लस नहीं होता है, ये हिडन कास्ट वहाँ पर नहीं है, प्लस नहीं होता है। और उसका कारण क्या है, उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने क्या किया कि भाई आप वहाँ जाके बैठोगे तो उनकी कुर्सी, उनका मेज, उनका AC, उनका एरिया कवर कर रहे हो, वो आपके घर पे खाना पहुँचा दे रहे हैं और खाना पहुँचाने के दौरान ही वो अपने स्पाइसी हब का प्रचार भी कर रहे हैं, गाड़ी पीछे लिखा हुआ डिब्बे में स्पाइसी हब, प्रचार फ्री हो रहा है, खाना पहुंच रहा है, और खाने में जब घर पहुंचा तो आपको कुछ गड़बड़ हुआ तो आप कहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे बवाल करने, थोड़ा बहुत चल गया था भाई,
खैर ये फैक्टर नहीं, मेन फैक्टर ये प्रचार फ्री हो रहा है और जो है उनका प्रोडक्ट सेल भी हो रहा है और वो जो जगह वगैरह थी वो चूँकि वो महंगी जगह है कमर्शियल एरिया पे है कि नहीं, आप अगर एक घंटा बैठ गए तो आप समझ लीजिए 20 रुपये उनका अतिरिक्त खा गए और वही 20 रुपये का वो पेट्रोल दे रहे हैं वो चला जाएगा। लेकिन सोचो अगर बुलेट होती तब वो भी सोचता कि कुछ लगाओ इसकी कीमत क्योंकि ये तो खून पीती है कि नहीं। अब प्लेटिना खरीद दिए हैं 4 टो, उसमें जो है 100 cc गाड़ी अपना 1 लीटर में 100 किलोमीटर जा रही है, क्या दिक्कत है उन्हें, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, ये तकनीक दक्षता बढ़ी तभी तो हो पाया। या आप ऐसे समझें कि अगर आप अपने अपने जो है बचपन में थोड़ा जब क्लास 8th 9th में रहे हों, जो लोग अभी जो जल्दी किए उनका नहीं हम करें, जो थोड़ा 10 साल पहले किए हों, 5 साल पहले किए हों, तो आप देखिए पहले क्या था कि आप जो है फ़ोटो कापियर वाले के यहाँ जाते थे। फ़ोटो कापियर वाला हमेशा जो छोटा दुकानदार होता था उसका फ़ोटो कापी का जो कास्ट था वो क्या था, छोटे वाले का हमेशा ज़्यादा होता है। क्यों, अब बड़े वाले कापियर के पास जाइए, हाँ तो लेबर नहीं उनकी मशीन ही देखो। पहले क्या रिकॉक मशीन आती थी, एक आदमी लगता था उसको पहले खोलता था, पन्ना लगाता था, फिर वो करता था, फिर खोलता था, फिर लगाता था, फिर कर। अब क्या है, आपने कहा भैया ये जो है 50 पेज की किताब है, आप बड़े दुकानदार के पास पहुँचे और इसकी 5-5 कापी चाहिए हर पन्ने की, उसने कमांड दे दिया और वो किताब रख दिया उसमें। जैसे ही 50 इमेज बन गई सारी, किताब आपको निकाल के दे दिया और वो 50-50 कापी सबकी लगा वो निकाल भी देगा और उसको जैसे आपने कहा कि पेज वाइज लगा दीजिए तो वो पेज वाइज लगा देगा, नहीं 50-50 की बंडलिंग करके आपको दे देता है। अब उस पर अगर उतनी कापी वैसे छोटा वाला करेगा तो उसको दिन भर खड़े भी रहना पड़ेगा, तो अपनी मजदूरी भी जोड़ेगा। अब बड़े वाले मशीन में क्या है, तकनीकी रूप से ज़्यादा उन्नत है इसलिए उसको लेबर चार्ज कम देना पड़ेगा, इसलिए वो 1 रुपये में 2 कापी भी कर देगा, है कि नहीं। कास्टिंग इफेक्ट हुई कि नहीं है, तो मतलब तकनीक दक्षता का भाव भी एक बड़ा फैक्टर होता है। लागत बढ़ने का एक तीसरा कारण क्या है, लागत प्रेरित मुद्रा स्फीति का तीसरा फैक्टर क्या है, अरे दिमाग चलाओ ना, नहीं तीसरा कारण यह है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लागत थोड़ा बढ़ेगी। तीसरा कारण यह है कि लागत बढ़ने का तीसरा कारण है मौसम में परिवर्तन। मौसम में परिवर्तन भी एक बड़ा फैक्टर है, रियल इस्टेट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। बरसात के मौसम में मोरंग महंगी, सीमेंट महंगी, सीमेंट का स्टोरेज महंगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा, कास्टिंग क्या हुई बढ़ गई। सामान्य दिनों में जून में और लेबर के काम करने की क्षमता भी कम, ठंडी में बरसात में लेबर के काम करने की क्षमता भी कम। पता चले 1 बजे तक काम किया, 5 लेबर लगा है आपके घर में, छत का काम चल रहा था, बरसात होने लगी, अब आपको तो पैसा देना है, कीमत बढ़ गई कि नहीं, है ना। तो मौसम में परिवर्तन भी एक बड़ा कारण है, इसीलिए देखिए मौसम में परिवर्तन यहाँ भी उत्तरदायी है और मौसम में परिवर्तन कास्ट पुश इन्फ्लेशन में भी जिम्मेदार है और डिमांड पुल इन्फ्लेशन में भी जिम्मेदार है। कैसे कैसे, 14 जनवरी के नज़दीक जैसे ही मौसम आएगा तुरंत आपको जो है वो जो है मूँगफली वाली पट्टी, गजक, गुड़लैया, तिल वाले लड्डू खाने का मन करने लगता है। आप देखिए कभी, आप देखिए जून में कभी खाने का मन करता है गुड़लैया, आपको लाख दे तब भी नहीं खाएंगे। तो मौसम में परिवर्तन, जैसे ही ठंडी आई स्वेटर बिकना शुरू, साल बिकना शुरू, स्टोल बिकना शुरू, दुनिया भर के जो होते हों, और जैसे ही गर्मी आई सब उतार के किनारे। इसीलिए आप देखिए क्या लिखते हैं सेल करने वाले लोग, क्या लिखते हैं, ऑफ सीजन सेल 50% डिस्काउंट। अब जान रहे हैं स्वेटर अगर 6 महीने रखा रह गया स्टोर में और चूहा कहीं आ गया और 10 स्वेटर काट दिए तो पूरा लाभ गया, तो इससे बढ़िया आप सीजन सेल लगाओ और जल्दी से इसको निकाल दो, है कि नहीं। तो मौसम में परिवर्तन यहाँ भी उत्तरदायी है और वहाँ भी उत्तरदायी है।
लागत लागत बढ़ने का एक और फैक्टर बताइए, लागत प्रेरित मुद्रा स्फीति का है प्रोडक्शन कम होने से लागत की कीमत घटने या बढ़ने, क्या मतलब? लागत मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग कास्ट कहां पर इफेक्ट कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा तो अंडरस्टूड है, कच्चे माल की कीमतें बढ़ी, ट्रांसपोर्टेशन ऐसे महंगा तो होगा नहीं। एक लाइन इसमें और जोड़ सकते हैं हम लोग कि एक तो तकनीक दक्षता का अभाव है, दूसरा यह कुशल श्रमिकों का अभाव, अनस्किल्ड लेबर है, लेबर है। अब हमको जो है बना कुम्हार कहे कि भैया आपको हम रख ले रहे हैं अपने, आप गमला बनाइए हमारे यहाँ, पता है दिन भर काम किए गमला एको बने नहीं, चकिया उसकी अलग टूट गई है कि नहीं। तो इस तरह की भी तमाम चीज़ें हैं, कुशल श्रमिकों का अभाव भी है। दूसरा वाला जो कह रहे हैं ये तो लागत प्रेरित का हम बता रहे थे, दूसरा हम कह रहे हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड में पहला फैक्टर हमने बता दिया क्या है, लागत मतलब मांग बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है, हाँ क्लाइमेट चेंज हो जाना। उसके बाद लागत बढ़ डिमांड बढ़ने का दूसरा कारण क्या हो सकता है, डिमांड बढ़ने का दूसरा कारण क्या हो सकता है, घर में आटा नहीं रहेगा तो क्या ज़्यादा रोटी खाओ का, रोटी तो सामान्य रूप से जितनी खाओ उतना ही भूख लगेगी ना, वस्तुओं का मूल्य घट जाए, वस्तुओं का मूल्य वो तो किया जाता है, वस्तुओं का मूल्य सामान्य रूप से घटेगा तो सामान्य रूप से डिमांड थोड़ो बढ़ेगी, वो तो केवल सोना चांदी के लिए कभी कभी होता है, लेकिन गेहूँ में ऐसा थोड़ो लगेगा, चावल में ऐसा थोड़ो होगा कि आपका दाल की कीमत घट गई तो अब आप एक कटोरी की जगह एक कटोरा दाल खाना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। सामान्य रूप से तो जो आपकी भूख है उतने करेंगे ना, कि कोई गाय का दूध एक बाल्टी फिर पहुंचा दिया पूरा डकार जाएंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। डिमांड जो नेचुरल डिमांड जनरेट होती है उसकी हम बात कर रहे हैं, हाँ जनसंख्या का बढ़ना सबसे बड़ा फैक्टर है इसमें, इसीलिए आज दुनिया के सारे देश भारत को देख रहे हैं कि यहाँ डिमांड है, क्यों? क्योंकि सवा अरब आबादी हो गई है कि नहीं। आज दुनिया के सारे देश कहाँ हैं भारत को देख रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं यहाँ पॉपकॉर्न भी बिकेगा, यहाँ नूडल्स भी बिकेगा, यहाँ जो है देसी घी भी बिकेगा, यहाँ जो है बाल को सफ़ेद से काला करने वाला लोशन भी बिकेगा, है यहाँ सब बिकेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा आबादी हो गई है। तो जनसंख्या एक बड़ा फैक्टर है किस चीज़ का, डिमांड बढ़ाने का। दूसरा फैक्टर क्या है, मौसम में परिवर्तन हम बता ही चुके। तीसरा फैक्टर क्या है, डिमांड बढ़ने का तीसरा फैक्टर क्या है, जल्दी जल्दी बताओ। तीसरा फैक्टर है, डिमांड बढ़ने का तीसरा फैक्टर है आपातकालीन स्थितियां या अफवाहों के कारण। आपातकालीन स्थिति का मतलब क्या है कि अभी आप देखिए तो डिमांड अचानक जनरेट हो जाएगी, क्या होगा, अभी आपको पता चल जाए कि बाहर एकदम दंगा हो गया और कर्फ्यू लगने जा रहा है और निकलते ही गोली मार दी जाएगी घर से, तो अभी तुरंत जो है यहाँ से सीढ़ी से भागे, और तब तक घर पहुँचे नहीं थे, जहाँ भी थे वहीं तब तक मम्मी फ़ोन आया, बेटा ऐसा करो जल्दी तुम चले आओ और एक काम करो 5 किलो आलू ले आओ, क्योंकि अब बहुत भयंकर स्थिति है और पता नहीं अब कितने दिन कर्फ्यू चलेगा। तो इसलिए जिस घर में 1 किलो आलू एक हफ्ते में खरीदी जाती थी, उन्होंने क्या किया 5-5 किलो खरीदना शुरू कर दिया, क्या हो गया शॉर्टेज हो गई, ठेला वाला जान गया है बहुत तेजी से बिका, ये तो दिन भर में नहीं बिकता था, आज 21 घंटे में दाम बढ़ाओ तुरंत तुरंत। उसने क्या किया, देखते देखते आपसे क्या किया, कहा ऐसा भैया का बाबू जी कहे अरे यार अभी तो 5 रुपये में दे रहे थे, कह रहे थे अभी दे रहे थे लेकिन अब 50 रुपये में, वो गलती हो गई है कि नहीं। तो अफवाहों के कारण भी और आपातकालीन स्थितियों के कारण भी डिमांड क्या होती है, नेचुरली बढ़ जाती है, अपने आप बढ़ेगी, वो कोई सोचता नहीं, उसमें लॉजिक नहीं लगाता कोई, जैसे देखा तुरंत उसका दिमाग काम करना शुरू किया, अरे ये हो गया अब तुरंत जो है नहीं। तो लागत डिमांड बढ़ने का एक बड़ा फैक्टर ये भी, ठीक है। और कोई डिमांड बढ़ने का दूसरा कारण, और कोई बड़ा फैक्टर,
डिमांड बढ़ने का और कोई फैक्टर है आपके पास? अब ओवरऑल, अब इसमें से अब जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो आप बोले हमसे, तो हम बताएं कि वो है ओवरऑल इन्हीं में से कहीं, ओवरऑल वो कहीं ना कहीं इन्हीं में से जुड़ा होगा, कहीं अलग से नहीं आएगा वो। ठीक, उत्पादन की कमी से उत्पाद, हाँ उत्पादन की कमी से महंगाई बढ़ती है लेकिन डिमांड बढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। उत्पादन, चूंकि उत्पादन ऐसी चीज़ नहीं है जो अचानक जो है घट जाएगी और अचानक बढ़ जाएगी। अगर जो है दाल का उत्पादन कम होना है, अगर डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो शॉर्टेज, तो वो तो हमने बता ही दिया, वो तो उत्पादन की कमी है और डिमांड ज़्यादा है तो कीमत बढ़नी बढ़नी थी, तो वो तो बताया ही जा रहा है ना। लेकिन उत्पादन की कमी एक दिन में नहीं होगी, केवल एक फैक्टर इसमें और जोड़ लीजिए आप, एक फैक्टर और जोड़िए, प्राकृतिक आपदाओं के कारण। प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो नेचुरल डिजास्टर हैं उनके कारण भी अचानक चीज़ें जो है कम और ज़्यादा होती हैं और उसके प्रभाव में डिमांड और कास्ट दोनों इफेक्ट करती है, बस। और कोई बेसिक फैक्टर नहीं आपके दिमाग में आएगा जो हम बताए हों और आप जोड़ ना पाएँ उसे, और आ रहा हो तो आप डिस्कस कर लें हमसे, हम उसको क्लियर कर देंगे, जिसके मन में जो आ रहा हो पूछ लें। हाँ, वो मैंने कहा कि तकनीक दक्षता वाली बात है, वो R&D कीमत है। जैसे नोकिया का कोई मोबाइल आज से 1997-98 में जब यहाँ पर चल रहा था, मोबाइल का रेवोल्यूशन शुरुआत हुआ, तो आप देखिए नोकिया 5600 आया और उस समय नोकिया 5600-6500 रुपए का आता था। आज उस नोकिया 5600 को कोई 5 रुपए में नहीं खरीदेगा, इसलिए को नोकिया 5600 फ़ोन कैसा था, केवल फ़ोन आएगा और 5-6-10 तरह की उसमें रिंगटोन थी, और वो भी रिंगटोन कैसी थी, बस ऐसे टू 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 पी 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 इस तरह वाला, ये नहीं कि उसमें आप गाना बज रहा है, ऐसा नहीं है, है ना। तो वो जो है वो केवल और केवल जो है R&D कास्ट होती है। R&D कास्ट, जैसे कोई भी अभी एप्पल का कोई iPhone 6 Plus आया, कोई 6S आया, तो उसकी कीमत इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि उसकी R&D कास्ट अभी जो है अदा नहीं हो पाई है, और जिस दिन R&D कास्ट अदा हो गई उस दिन उसकी कीमत घट जाती है। इसीलिए आप देखिए मोबाइल इंडस्ट्री या कंप्यूटर में क्या होता है, आपने 6 महीने पहले कोई 60,000 मोबाइल ख़रीदा हो तो साल भर के बाद वो 30,000 से ज़्यादा में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट नहीं ज़्यादा आ रही है। उसका जो R&D हुआ है कि कौन सा एप्लीकेशन, कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सी तकनीकी, कौन सा चिप, उसकी कीमत वो लोग लेते हैं शुरुआती दौर में, ठीक है। तो R&D कास्ट का मतलब ये है कि R&D कास्ट जो है वो R&D कास्ट सामान्य रूप से कमोडिटीज़ में नहीं है, जैसे उसमें हम लोग जो मेज़र कर रहे हैं उसमें जो है बेसिक कमोडिटीज़ जो कि जो है 424 या 425 कमोडिटीज़ उसमें शामिल हैं, उनके आधार पर हम लोग मेज़र करते हैं कि कौन सा मतलब इन्फ्लेशन रेट क्या आ रहा है। उसमें मोबाइल शामिल ही नहीं, उसमें तो सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो रोटी, कपड़ा और मकान, इनसे जुड़ी हुई चीज़ों को जोड़ा देखा जा रहा है। रोटी, कपड़ा और मकान का मतलब क्या है, आयरन की कीमत अगर बढ़ रही है, जींस की कीमत बढ़ रही है, या आपका जो है क्या कहते हैं कि कॉटन की कीमत बढ़ रही है, इस तरह की बेसिक नीड को फुलफिल जो कर रही है। BMW कार की कीमत बढ़ रही है तो वो नहीं हम जोड़ेंगे, BMW कार की कीमतों को बढ़ने को हम स्टील की कीमतों के बढ़ने से ही देख रहे हैं, मतलब वहाँ पर जो मेज़र करने में है तो वहाँ कार की कीमतों का फ्लक्चुएशन नहीं देखा जा रहा है। क्लियर हो गई बात, और कोई प्रश्न दिमाग में आ रहा हो, नहीं, चलिए।